bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. मॉर्निंग और मॉर्निंग 6:30 से मैं ब्लॉग बनाने के लिए आ गई हूँ। रिंका आज ऑफिस से हो जाएंगे तो सब नाश्ता हो गया, पराठा खाए, पराठा नहीं चपाती बनाए, चपाती खाए, फिर कॉफी पी रहे थे, फिर ये हम इधर बिस्बिया भात बनाने के मतलब भंगी भात बोलते हैं व्यंजन, बांगी भात इसको बांगी भात बोलते हैं। ये पटाटो और दो तीन ब्रिंजल टमाटो मिला के हम लोग बनाती हूँ और ये इनको भी पसंद है तो एक मिल लो, जल्दी जल्दी जो बनाऊंगी वो ही हो गया। ब्रिंजल और तो थोड़ा पटाटो और टमाटो मिलाकर थोड़ा मैं टेस्ट कर लेता हूँ पुलाव की तरह, तो वो भाभी बोल रहे की थोड़ा और है तो दे दो मुझे, मैं खा कर जाऊंगी। ये इनको बहुत पसंद है ये पुलाव की तरह ये बंगी बात ही बोलते हैं, पर तो बाकी बात का मसाला है मैं नहीं डालती, उनको पसंद नहीं है। मैं घर में जो जिंजर गार्लिक और सब मिला के टेस्ट करा था वही डालती हूँ और टेस्ट अच्छा लगता है, वो ब्रिंजल का टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आता है। तो और थोड़ा तू दे तो बोल रहे हो तो थोड़ा और दे दो, जब तक खाऊंगी तो 12:30 बजे तक खाऊंगी, अब थोड़ा फ्रेश खा लेती, गरम गरम खा लेती हूँ, बिना कॉफी पिए ही ये खा लेती, कॉफी पी लो ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये खाओ। अभी ऑफिस जाने के बाद मेरा भी आज बहुत काम है, आज पनीर बनाऊंगी, दो छेना को निकल के पनीर बनाऊंगी, ये तो रात को आएंगे इसलिए रात को ही मैं पालक पनीर बनाऊंगी। अब दोपहर का तो हम लोग कुछ सिंपल सा, और आज फ्राइडे सोचिए एक करी बना के खा लेंगे, और ये आएंगे रात को तो, और पराठे के साथ वो पालक पनीर अच्छा लगता है, पराठा बनाऊंगी और पालक पनीर बनाएंगे। और ये ऑफिस जाने के बाद मैं आप होगा तो आपके साथ बात करूंगी, नहीं तो लंच में मिलेंगे। मुझे नहाना है, पूजा करना है, सारा घर का तो ऐसे मनी का जो काम होता है वो झाड़ू पोछा और बर्तन वो तो हाउस हेल्प आकर करके चली जाती है, वो कैंसल नहीं, 7:30 बजे तक मेरा घर का काम फिनिश हो जाता है, पर और भी कुछ रहता है थोड़ा बहुत काम, किचन का फिर गंदा हो गया, खाना बनाया फिर से मुझे क्लीन करना है, बच्चों को भी उठाऊंगी, बच्चे भी सो रहे, चलिए इनके जाने के बाद मैं मिलती हूँ आपके साथ, मेरा कॉफी भी ठंडा हो गया।
फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं सुबह के बाद अभी मिल रहा, अभी 11 बज गया है। और नहाना, टिफिन, ब्रेकफास्ट करना, पूजा करना, सारा काम हो गया। अब मैं दूध से छेना निकालूंगी, पनीर, जो पनीर बनाऊंगी रात के लिए। अभी बना के शायद सोच के रख दूंगी। और ये भी भला बटर में निकाल दूंगी। और घी भी बनाना है मुझे, घी भी बनाऊंगी सोच के। पहले मैं कर दूंगी, आज बनाऊंगी घी, नहीं तो कल बनाऊंगी घी। आज पनीर करूंगी और आज सिंपल सा एक करी ही बनाऊंगी। ज्यादा ये बटर नहीं निकालूंगी, थोड़ा थोड़ा रखूंगी ताकि पनीर करूंगी तो अच्छा लगेगा। एग और पोटैटो को बॉईल करने के लिए रख दिया। जब तक बॉईल होगा, चॉपिंग ये सब काम मैं खत्म कर लूंगी। अब दूध पूरा बॉईल हो गया। अब इस टाइम में मैं एक नींबू इसके अंदर निचोड़ दूंगी, नींबू का जूस डाल दूंगी तो ये तुरंत ही फट जाएगा। फटना शुरू हो गया, अभी पनीर बन जाएगा। ये दिखाती हूँ। बस पनीर हो गया, फिर इसका पानी को ड्रेन कर दूंगी। एक फिर कपड़ा में बांध के उसको थोड़ा एक अच्छा वेट वाला सामान वो पनीर के ऊपर रख दूंगी, तो वो पूरा पनीर बन जाएगा। फिर मैं 2-3 बजे या 4 बजे बनाऊंगी पनीर। पनीर हो गया, अभी निकाल दूंगी गैस से। ये देखिए, थोड़ी देर ऐसे रखूंगी। अब मैं पालक को थोड़ा बॉइल करके निकाल दूंगी, इसलिए गर्म पानी बिठा दिया। और टमाटर, प्याज पूरा चॉपिंग करके रख दियो एक करी के लिए। पानी गर्म हो चुका है, अब इसको पालक को डाल दूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा बॉईल करके निकाल के फिर अभी मैं इसको ठंडा पानी आइस वाटर में डाल दूंगी, तो ये जो पालक का ग्रीन कलर है ना वो बरकरार रहेगा। वो कलर मतलब क्या, चेंज नहीं होगा। जैसे आप बॉईल करने के बाद ग्राइंडिंग करेंगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, पर अगर आप ये इसको बॉईल करके तुरंत ही निकाल के ठंडा पानी में आइस वाटर में डाल देंगे ना, ये पालक ऐसा ही कलर रहेगा, ये ग्रीन कलर वैसा ही रहेगा। ये छोटा सा टिप्स था मेरी तरफ से आप सभी के लिए। बस इसमें मैं ये आइस क्यूब डाल के रख दी हूँ। जब ये पालक थोड़ा बॉईल होगा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बस उसको ठंडा पानी में रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद, ठंडा होने के बाद उसको मैं ग्राइंडिंग करूंगी। बिल्कुल ठंडा आइस वाटर में डाल देंगे ना, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कलर। और वो छेना को भी मैं अभी पनीर बना लेती हूँ। ये एक व्हाइट सा पतला कपड़ा मैं ले लिया, थोड़ा मैं उसको फिर से वॉश कर दिया हूँ। अब इसको, ये जो पानी को पूरा ही पनीर को इसके अंदर निकाल दूंगी।
फिर थोड़ा ठंडा पानी भी इसके अंदर छोड़ूंगी ताकि वो नींबू का स्मेल भी चला जाएगा। अब मैं इसको ऐसे एक छोटा सा प्लेट लूंगी और ये पनीर को रख दूंगी इसके ऊपर। कोई भी भारी सामान इसके ऊपर अभी रख देंगे। और यहाँ पे तो मैं चॉपिंग करके भी रख दिया, बस जल्दी जल्दी बनाना है। और ये पनीर का तो आइटम है इधर, बस खाना पीना खाकर मैं शाम को ही बनाऊंगी, सोच रही हूँ 4-5 बजे ही बनाऊंगी इसको। अभी बनाऊंगी तो ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हल्दी और नमक डालने से एग का कलर बहुत अच्छा आएगा, जब फ्राई करेंगे तब एग का कलर बहुत अच्छा आएगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। बस हो गया, अब मैं एग को निकाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इलायची को कूट दिया, इसके अंदर डालूंगी। बस एक छोटा होगा तो दो, बड़ा होगा तो एक, बस इतना ही चाहिए हमें। ज्यादा कुछ मसाला ज्यादा नहीं चाहिए एक करी में। ये दो मैं इलायची कूटी थी और एक ये जो स्टार फ्लावर आता है थोड़ा सा उससे, उसका थोड़ा सा देना है और दो तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, बस इतना ही मैं तड़का लगाऊंगी। फिर आप उसके अंदर में ये प्याज डाल दूंगी। अब इसके अंदर मैं ये उबला हुआ आलू भी दे दूंगी। आलू को भी थोड़ी देर फ्राई करूंगी तो आलू का भी एक कोट, आलू को भी थोड़ी देर फ्राई करूंगी तो उसका थोड़ा टेस्ट अलग सा लगता है, पर अच्छा लगेगा फ्राई करेंगे तो थोड़ी देर। और थोड़ी देर फ्राई करूंगी। हाँ मामा हो गया। और इसको भी भूख, मतलब एग करी ऐसा कुछ, चिकन एग कुछ अच्छा बचा, चिकन एग कुछ बनता है तो इसको जल्दी भूख लग जाता है। अभी 12:30 बज रहा है पर अभी से उसको भूख लग गया है ना बाबू। और आज तो कुछ ज्यादा बनाना भी नहीं है, बस एग करी और राइस, बच्चे को बहुत पसंद है, खा लेंगे। देखिए कच्चा टमाटर, उसको इतना पसंद है, जब मैं काट के रखती हूँ वो जरूर खाएगा, पर जब सब्जी में वो टमाटर डालती हूँ तो चुन चुन के खाता है, टमाटर निकल निकल के खाता है, टमाटर और प्याज पर कच्चा उसको बहुत पसंद है। बस हो गया, अभी मैं एक जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी। थोड़ा मैं आज करी करूंगी एग का, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट दूंगी। अगर आप करी नहीं करेंगे, सूखा भी करेंगे तो थोड़ा सी देना है, इतना ज्यादा आज करी करूंगी क्योंकि हमें राइस के साथ खाना है।
मसाला को अच्छा से भूनना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कच्चा स्मेल पूरा आएगा। मसाला भुनना हो गया, अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। मैं 2 कप पानी डालूंगी। अब ये एग फ्राई वाला एग भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ी देर में बन जाएगा हमारा एग करी। बनने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बना है। जब तक वो अंडा करी हो रहा है, मैं ये वाला पालक जो भिगोई थी ना, इसको ग्राइंडिंग करके रख दूंगी। भिगोई नहीं थी, बॉईल करके जो रखी थी, भिगोई थी। ठंडा हो चुका है। हाँ बाबू, हो गया। हाँ मैं देख रही हूँ, इसका होमवर्क हो गया। थोड़ा सा वाटर देकर मैं ग्राइंडिंग कर दूंगी। बस हो गया। वाह, हो गया। अब इसको ऐसे ही रखूंगी। मैं दिखाऊंगी आपको पालक पनीर रेसिपी शेयर करूंगी। होगा तो आज वो रेसिपी शेयर करूंगी, नहीं तो अलग से एक रेसिपी पालक पनीर का रेसिपी बना के वो डाल दूंगी मैं मेरे ब्लॉग में। बहुत इजी, अब तो सारा काम मैं कर दिया। बस बनाना है लहसुन को थोड़ा ये करके, और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, पर खाने में ये ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ये रेसिपी कब जरूर देखिए। थोड़ा सा पापड़ फ्राई कर रही हूँ, इसके साथ थोड़ा अच्छा लगेगा। जस्ट लंच फिनिश की और एक करी असम हुआ था, असम। और ये पनीर का क्या हुआ मैं अभी देख लूंगी, देख के अभी रख दूंगी, शाम को ही बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम पालक पनीर गरम गरम में अच्छा लगेगा। जब अभी आएंगे तब बनाऊंगी, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। बस हो गया है पनीर, मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर थोड़ी देर सो जाऊंगी। उसके बाद अभी आएंगे इवनिंग का, तो थोड़ा चाय पाए पियेंगे, कप्पे सप्पे लड़ाएंगे और क्या। फिर चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय।